वॉइस में ब्रेकडाउन के असरात लाहौर पर भी आने लगे। लेस्को को 1100 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हर एक घंटे के बाद एक घंटे की लोड शेडिंग जारी। लोड मैनेजमेंट के तहत मुतअद्दिद ग्रिड स्टेशंस को वक्फे वक्फे से बंद किया जाने लगा। शाहतरा, समनाबाद, तड़ीशाहू, बागबानपुरा, मुस्तफा आबाद, निश्तर कॉलोनी, डिफेंस के इलाकों में भी बिजली गायब। शहरी बदतरीन लोड शेडिंग से शदीद अज़ियत में मुब्तला। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग का भी आसार। बिजली सार्फिन परेशान होकर रह गए। लेस्को इंजीनियरिंग टाउन सब डिवीजन ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया। घरेलू सार्फिन के बिल्स में 200 से 900 यूनिट्स तक इजाफे शामिल कर दिए गए। जायद बिल मौसूल होने पर सार्फिन डिफॉल्टर के चक्कर लगाने पर मजबूर। लेस्को का अमला आरसी तौर पर बिल्स के इकसार करके जान छुड़ाने लगा। किसी के भी आईनी और कानूनी हक के रास्ते में रुकावट डालना या उस पर तशद्दुद करना किसी निहत्ते शहरियों के ऊपर, वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है। करप्ट डाकुओं का टोला ये जो है इमरान खान और पीटीआई से इतना खौफजदा है कि रोज़ सुबह शाम अहम मकाना बयान देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट बतौर रियासती मशीनरी जितनी भी होगी उसका काम है आवाम की जानो माल का तहफ़ करना। लॉन्ग मार्च में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि लॉन्ग मार्च के जरिए एहतजाज आईनी हक है, तशद्दुद करना किसी सूरत कबूल नहीं। मौजूदा करप्ट टोला इमरान खान से खौफज़दा है। तहरीक इंसाफ ने पुरअम एहतजाज की कॉल दी। हमारा काम अवाम के जान माल की हिफाजत करना है। गुज़श्ता 2 माह में पंजाब हुकूमत ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से उमर सरफराज चीमा की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने उमर सरफराज चीमा को नई जिम्मेदारी से आगाह किया। उमर सरफराज चीमा ने नई जिम्मेदारी मिलने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। उमर सरफराज चीमा को हाशिम डोगर के मुस्ताफी होने के बाद महकमे दाखिला पंजाब की जिम्मेदारी दी गई। उमर सरफराज चीमा के बतौर मुशीर दाखिला तो कलेक्ट्री का नोटिफिकेशन जारी। इंपोर्टेड हुकूमत किस किस को गिरफ्तार करेगी। आधी रात को एक सेनेटर को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। विफाक की हुकूमत इंतकामी कार्रवाई से बास रहे। विफाक में बैठे अफराद अपने करप्शन केसेस खत्म करवाते जा रहे हैं। इमरान खान का बयानिया सच साबित हो गया। कराची से लेकर खैबर तक अवाम इमरान खान के बयान से मुत्तफिक है। सीनियर सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल के अलहमरा में मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल से इंसाफ यूथ विंग के वक्त और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए जारी प्रोग्राम्स को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब बॉन्ड्स के इजरा के हवाले से सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी तशकील। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सरसदारत इजलास पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पीने के साफ पानी की फराहमी के मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएँ। महंगाई का फुल जोर, खरीद मजीद कमजोर। दूध, घी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती और साबुन मजीद महंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की नई रेट लिस्ट आ गई। दूध 20 रुपए लीटर महंगा 217 रुपए फी लीटर हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और कुकिंग ऑयल 141 रुपए फी किलो तक महंगा। 450 ग्राम चाय की पत्ती की कीमत में 240 रुपए का इजाफा। शहद, फेस क्रीम और साबुन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। नया नोटिफिकेशन जारी। आवाम को रोटी के लाने पड़ गए। अब रोटी 13 और नान 20 रुपए में मिलेगा। सरकारी सतह पर रोटी और नान की कीमत में इजाफा कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने नया निर्खनामा जारी कर दिया। कई माह बाद तनूर मालिकान के मुतालबे पर नया सरकारी निर्खनामे का इजरा हुआ। रोटी और नान के नए रेट्स पर फरोख शुरू हो गई। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। डॉलर फिर स्पीड पकड़ने लगा। डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा। इंट्रा बैंक में डॉलर 218 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 220 रुपये 50 पैसे में फ्रॉम।
लोगों को बगैर किसी वजह के इस्लाम से खौफ है। आज मुसलमानों की तादाद 2 अरब के करीब पहुंच रही है। मजलिस राबता आलम इस्लामी दुनिया भर में दीन की हकीकत बयान कर रही हैं। दीन का काम करने वाले उलमा बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अलीसा की तकरीब से खिताब। सऊदी सफीर नवाज बिन सईद अहमद कहते हैं पाक सऊदीया ताल्लुकात किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पंजाब में यकसा तालीमी निसाब मंसूबे में अहम पेशरफ। नए तालीमी साल से दूसरे मरहले के आकाश का फैसला। 6ठी से 8वीं जमात की 7 किताबों का निसाब यकसा बनाया जाएगा। उर्दू इंग्लिश रियासी हिस्ट्री जोग्राफिया जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस का निसाब एक होगा। सूबाई वजीर राजा बिशारत की सिर सदारत कबीना कमेटी बराए उमूर कानून सासी का अहम इजलास। कहते हैं तमाम तलबा को बिला तफरीक एक निसाब पढ़ने का मौका मिलेगा। शाहकाम चौक के मुकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा एक ही हफ्ते में इफ्तिताह तकरीब दूसरी मरतबा मुलतवी। फ्लाईओवर के इफ्तिताह की तैयारियां धरी की धरी रह गई। ज़राए के मुताबिक फ्लाईओवर से मुतल्लिका डिफेंस रोड का तामीराती काम मुकम्मल ना हुआ जिसकी वजह से ताखीर हुई। फ्लाईओवर के नीचे 8 ग्रेड वर्क भी तहाल मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आला की टीम ने फ्लाईओवर नामुकम्मल होने से मुतालिक रिपोर्ट भी दी। शाहकाम फ्लाईओवर का इफ्तिताह 15 अक्टूबर को मतवक्के। ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए अकबर चौक रिमोटलिंग का मंसूबा। LTA ने अकबर चौक रिमोटलिंग का डिजाइन तैयार कर लिया। DTP की मंजूरी के बाद LTA गवर्निंग बॉडी से मंसूबे की मंजूरी ली जाएगी। अकबर चौक रिमोटलिंग प्रोजेक्ट पर एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। मंसूबे की तामीर के लिए 3 अरब 10 करोड़ 10 लाख का तखमीना लगाया गया। मुल्क में गैस का बहरान। सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी ने LPG सिलेंडर फराहमी का फैसला कर लिया। रवा माह के आखिर तक LPG सिलेंडर्स की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी और ओकरा रेट पर गैस सिलेंडर फराहम करेगी। कंपनी के तमाम रीजनल दफातर और सब ऑफिस में गैस सिलेंडर्स दस्तियाब होंगे। जालसाजी ब्लैक मेलिंग का फ्रॉड। सोशल मीडिया पर क्राइम बढ़ने लगे। रमजान के पहले 9 माह में शिकायत में 11% इजाफा। FIA को धड़ाधड़ शिकायतें मौसूल होने लगी। लाहौर में मजमू तौर पर 17,076 शहरियों ने FIA से रजू कर लिया। लाहौर में 8,373 खवातीन को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का लाहौर में 1 केस रिपोर्ट। हजारों दरख्वास्तों के बावजूद गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद सिर्फ 596 रही। माहिर कानून के मुताबिक प्रोसिक्यूशन बेहतर ना होने का फायदा मुलजिमान को मिल जाता है। गिरफ्तारी पर अब सख्त एक्शन होगा। मौसर क्रैकडाउन के लिए 16 नए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद 80 हो गई। मजीद 15 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजाफा किया जाएगा। सिफारिश महकमे दाखिला को भिजवा दी गई। शाहदरा के वासियों के लिए खुशखबरी। 2018 के बाद शहर लाहौर में पहला पार्क बनाने का फैसला। शाहदरा चिल्ड्रन फैमिली पार्क बनाने की इजाजत कमिश्नर ऑफिस में DDWP की मीटिंग में दी गई। फैमिली पार्क की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना ने दी। चेयरमैन BHA इंजीनियर यासिर केलानी कहते हैं पार्क का तामीराती काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान भी नैब तरमीमी एक्ट से फायदा लेने वालों में शामिल हो गए। मुलजिमान पर 50 करोड़ रुपए से कम के करप्शन का इल्जाम है। ये केस अदालती दायरे इख्तियार से बाहर है। नैब तरमीमी एक्ट के तहत इस रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते। एहतसाब अदालत ने जिनियोट माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस वापस करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब बार काउंसिल की कार पर वुकला के चौथे रोज भी जुजवी हड़ताल जारी। लाहौर की मातहत अदालतों में वुकला पेश नहीं हुए। वुकला की जुजवी हड़ताल के बाइस हजारों केसेस को बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स इकट्ठा करने में पेश, माह सितंबर में 14 अरब 24 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया गया। गुज़श्ता साल इसी दौरान ही में 12 अरब 11 करोड़ रुपए जमा हुए। गुज़श्ता साल जुलाई से सितंबर तक सेल्स टैक्स की मद में 32 अरब 70 करोड़ मौसूल हुए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को दिया गया 190 अरब रुपए का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। इमरान खान ने एक फ्लॉप कन्वेंशन करवाया। पीटीआई के सियासी डॉक्टर्स को कन्वेंशन में बुलाया गया। पीटीआई के इस कन्वेंशन को डॉक्टर्स ने मुस्तरद कर दिया। एमटीआई जैसा काला कानून नाफिज करने की कोशिश की गई। डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा बेरोजगारी पीटीआई दौर में मिली। सदर वाईटी के डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्तादिज़ा के जाल सांसे पकड़ी गई। जाली ऑर्डर्स के तहत तबादलों की कोशिश। मुख्तलिफ एजुकेशन अथॉरिटीज़ के 22 उस्तादिज़ा ने तबादलों के जाली ऑर्डर तैयार किए। महकमा स्कूल एजुकेशन का मुतालिका अथॉरिटीज़ को उस्तादिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर तालीम मुराद राज के ऐलान पर अमल ना हो सका। दर्जे 4 की भर्ती शुरू ना हुई। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती की वजह से मामला इल्तवा का शिकार। वज़ीर तालीम ने 11,000 नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों का ऐलान किया था। नॉन टीचिंग स्टाफ न होने की वजह से स्कूल में तलबा से काम लिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को धचका। पीएचए ने जिलानी पार्क हेडक्वार्टर्स में ग्रीन एरिया को पार्किंग में बदल दिया। जिलानी पार्क में पार्किंग बनने से ग्रीन एरिया खराब होने लगा। पार्किंग स्टैंड बनाने से गंदगी भी फैलने लगी। और अलफतेह इलेक्ट्रॉनिक्स का 600 ग्रैंड सेल्स गाला। सेल्स गाला में कस्टमर्स को 30% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। शहर की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई। ग्रैंड सेल्स गाला 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा।